नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1000 से अधिक पदों पर होगी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली। बिहार में बालू के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर-19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेगी बिहार की याशिका। सिंचाई योजना के तहत 100 से अधिक परियोजनाओं पर इसी साल होगा काम शुरू। हार्दिक विराट को न समझाते तो मैच का परिणाम कुछ और होता। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1000 से अधिक पदों पर होगी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली। रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बिहार के सभी 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली करने की घोषणा की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए बहाली कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक अंचल में 2-2 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बेल्ट्रोन के जरिए बहाली की जाएगी। संयुक्त सचिव ने सभी अपर समाहर्ता को पत्र जारी करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बेल्ट्रोन को बहाली के लिए अधियाचना भेजने को कहा है। वहीं सरकार प्रोबेशन कार्यालयों के लिपिकों की बहाली करने जा रहा है। गृह विभाग ने इसके लिए 137 पदों का सृजन किया है, जिसमें 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिकों के पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। यूपी बिहार के बीच सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। यूपी बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि अब अहमदाबाद से पटना और पटना से नडियाद तक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 09463 अहमदाबाद पटना तथा ट्रेन संख्या 09464 पटना नडियाद सुपरफास्ट स्पेशल, ट्रेन संख्या 09463 अहमदाबाद सुपर फास्ट स्पेशल मंगलवार 25 अक्टूबर को अहमदाबाद से 4:25 में प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 9:15 पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जरूर देखें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी की। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका सौभ्य, स्निग्ध, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दर्पोदीप्त शख्सियत बिहार के जन गण मन पर अधिकार किए हुआ था। वे देश के स्वाधीनता संग्राम के महान नायकों में एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म औरंगाबाद जिले के पोईअवा नामक गाँव में 18 जून 1887 को हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित नियमावली पर जल्द लगेगी। बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों व प्राध्यापकों की प्रोन्नति की नए नियमावली का प्रस्ताव तैयार हो गया है। UGC इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है। बता दें कि राजभवन द्वारा बनाए गए विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देते हुए शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह ही इसे विभागीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। अब शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिलते ही नई नियमावली का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मुहर के लिए जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि छठ बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग जाएगा। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों के 1000 से अधिक पद सृजित। शिक्षा विभाग ने राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। ये पद विश्वविद्यालय के 22 महाविद्यालय के सृजित किए गए हैं। इन पदों पर सभी महाविद्यालय में एक एक प्रधानाचार्य को शामिल किया गया है। बता दें कि शिक्षा सचिव असगम्बा चुबा आयो ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए विभाग के इस निर्णय की जानकारी महालेखागार विहार को भी दी है। चूंकि 1420 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए इतने ही नए पद सृजित किए गए हैं, ऐसे स्थिति में इन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पहले प्रशासी पदवर्ग कमेटी तथा राज्य मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर-19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेगी बिहार की यशिता। बिहार की राजधानी पटना के आशियाना नगर से आने वाले 16 वर्षीय यशिता 1 नवंबर से शुरू होने वाले विमेंस अंडर-19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी खेलेगी। यशिता का चयन बीसीसीआई ने किया है। साल 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म दंगल जैसी ही यशिता की कहानी है। यशिता अब पटना के एक निजी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा है। यशिता को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी। उनके पिता भी कोच हैं,
जिन्होंने अपनी बेटी को ट्रेनिंग देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। यशविता ने लगभग 50 से ज्यादा बोर्ड मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल जुलाई में हुई सीरीज में यशविता ने 6 मैचें खेली जिसमें सभी में बढ़िया खेलते हुए 222 रन बनाए। आज मनाई जाएगी विश्व शांति स्तूप की 53वीं वर्षगांठ। आज विश्व शांति स्तूप की 53वीं वर्षगांठ है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप की 53वीं वर्षगांठ के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव आज राजगीर पहुंच कर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैसे तो विश्व शांति स्तूप पर होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेने पहुंचते थे, लेकिन इस बार भी सिर्फ नालंदा गया सहित अन्य स्थानों के बौद्ध भिक्षु वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम की सुबह 10 बजे से होगी जिसमें सबसे पहले स्वागत भाषण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रार्थना महाबोधि महाविहार एवं अन्य बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना टी ओके नेगी और उनके सहयोगियों द्वारा फूजी गुरुजी के उद्देश्यों का पाठ आदि शामिल होगा। पुलिस ने लाखों का जाली नोट किया जब्त, 4 को किया गिरफ्तार। मुकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है जो कि 3 नवंबर को निर्धारित है। इससे पहले लखीसराय पुलिस ने लाखों का जाली नोट पकड़ा है। कहा जा रहा है कि मुकामा विधानसभा चुनाव के दौरान इसे खपाने की कोशिश थी। इस दौरान पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर उसके पास से 29 लाख का जाली नोट बरामद किया है। पुलिस इस गिरोह का उद्भेदन और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। एसपी ने कहा इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। सिंचाई योजना के तहत 100 से अधिक परियोजनाओं पर इसी साल होगा काम शुरू। इस साल हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत लघु सिंचाई के 184 परियोजनाओं पर मुहर लगी है जिन पर कुल 173 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बाद करीब 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इन्हें 2023 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य सरकार द्वारा हर खेत तक सिंचाई का काम योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत सर्वेक्षित हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। आपको बता दें कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 6 विभागों ने सर्वेक्षण कार्य किया है। मंगला गौरी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। 15वीं सदी में बना मंगला गौरी मंदिर देवी सती को समर्पित उन 52 महाशक्ति पीठों में गिना जाता है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। पहाड़ी पे विराजमान माता को परोपकार की देवी माना जाता है। वर्षा ऋतु में हर मंगलवार को यहां एक विशेष पूजा आयोजित की जाती है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं ताकि उनके परिवार समृद्ध हो और उनके पति को सफलता और प्रसिद्ध प्राप्त हो। इस पूजा में देवी मंगला गौरी को 16 प्रकार की चूड़ियां, 7 किस्म के फल और 5 तरह की मिठाई समर्पित की जाती है और यह रिवाज शुरू से ही चली आ रही है। मंगला गौरी मंदिर में भगवान शिव, दुर्गा, देवी दक्षिणी, काली, महिषासुर मर्दिनी और देवी सती के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, श्री देवी भगवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। बिहार में बालू के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में बालू के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध कारोबारी माफिया के खिलाफ बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसके लिए भूतत्व विभाग पुलिस और CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मदद लेगा। बता दें कि औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, पटना, सारण और वैशाली जिले में बालू तस्करों की सक्रियता अधिक है, जिसके बाद करीब 3 वर्ष बाद 29 जिलों में सरकारी खनन सुनिश्चित करने के बीच खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस मुख्यालय और CID का सहयोग मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार CID ने मदद का आश्वासन दिया है। दिवाली खत्म होते ही प्रदेश में अब बढ़ेगी ठंड। बिहार में दिवाली के बाद से मौसम में एकदम से बदलाव आने वाला है। राज्य में मॉनसून की विदाई के बाद से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। दीपावली के बाद से ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बंगाल की खाड़ी में सितरंग चक्रवात सक्रिय है, उसकी वजह से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ इलाकों में 48 घंटों के भीतर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में आसमान साफ रहेगा। ऐसे में कुछ जगहों पर पारा 3 डिग्री गिर सकता है। अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। दिवाली में नहीं आ पाए तो छठ में आने का है सुनहरा मौका। दिवाली में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अब छठ में बिहार की ओर रुख करने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए पहले से चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेनों के अलावा 10 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिसमें 04185 ग्वालियर बरौनी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। यह स्पेशल ट्रेन अप एंड डाउन दिशा में समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, फाफुंद, इटावा, भिंड, सोनी, गोहद रोड, मलनपुर एवं शनिचरा स्टेशनों पर रुकेगी सहित 10 स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें।
तेजस्वी यादव ने फिर कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। दिवाली के दिन जहानाबाद के नौड़ू गांव में आयोजित मुद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान वहां एक पत्रकार ने तेजस्वी से सवाल किया कि जीतन राम मांझी आपके साथ बैठे हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार देशहित में भाजपा में फिर जाते हैं तो हम उनके साथ हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर तेजस्वी यादव ने साफ किया कि महागठबंधन में सब कुछ सही है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। महागठबंधन ने उल्टा भाजपा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं, हम उनके नेतृत्व में साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक बार फिर डॉक्टरों को चेताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गायब रहने वाले चिकित्सकों की हमने सूची बनाई है, ऐसे लोग पर कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के अनुपस्थित होने से लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डेंगू मरीजों से मिलने पहुंचे सुशील मोदी। बिहार में डेंगू का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच बीते दिन पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी डेंगू मरीजों से मिलने पीएमसीएच पहुंचे, जहां एक एक कर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जब अगस्त माह में डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो रहा था, उस समय ना तो उन्हें मारने के लिए कोई व्यवस्था की गई और ना ही कहीं फॉगिंग की गई। सरकार की लापरवाही के कारण डेंगू इतना बढ़ चुका है कि अब फॉगिंग का कोई खास असर नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश ने केदारनाथ पांडे के निधन पर जताया शोक। बीते दिन दिवाली जैसे खुशियों वाले त्यौहार के दिन राजनीतिक गलियारे से एक बुरी खबर सामने आई, जब सीपीआई एमएलसी केदारनाथ पांडे के निधन की सूचना मिली। उन्होंने 79 वर्ष की आयु में दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केदारनाथ पांडे के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने दिवंगत एमएलसी के बेटे आनंद पुष्कर से भी बातचीत की। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ लॉर्ड मैकाले का जन्म 1800 में हुआ। स्पेन के ख्याति प्राप्त चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक मुकुंदी लाल श्रीवास्तव का जन्म 1896 में हुआ। कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई अम्मनी अय्यर का जन्म 1912 में हुआ। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में हुआ। संत ज्ञानेश्वर का निधन 1296 में हुआ। भारतीय गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी का निधन 1980 में हुआ। मेघालय पहले मुख्यमंत्री कैप्टन संगमा का निधन 1990 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा समाज सुधारक पांडुरंग शास्त्री अठावले का निधन 2003 में हुआ। साहित्यकार निर्मल वर्मा का निधन 2005 में हुआ। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का निधन 2012 में हुआ। हार्दिक विराट को न समझाते तो मैच का परिणाम कुछ और होता। मेलबर्न में खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने अपने T20 करियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेलकर असंभव से दिख रही जीत को भी संभव कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गया। मैच के बाद कोहली के साथ 113 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करने वाले हार्दिक पांड्या ने उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह 31 रन के स्कोर पर 4 विकेट खोने के बाद काफी दबाव में थे और कुछ लंबे शॉट्स खेलना चाहते थे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें शांत रखने में मदद की और कहा कि हम गेम को और क्लोज लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों ने 5वें विकेट के लिए 113 रन जोड़े, जिसने टीम इंडिया के मैच में वापसी करा दी। वायरल खबर में आज बात होगी केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले बेरोजगार भत्ता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाले आर्थिक सहायता के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट PM योजना.in 5000 रुपीज दावा कर रही है कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा सभी को 5000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वेबसाइट पर किया गया दावा फर्जी है। ऐसे किसी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। जीमेल पर ऑटोमेटिकली ऐसे डिलीट करें ईमेल। क्या आप भी जीमेल में स्टोरेज की कमी का समस्या का सामना कर रहे हैं और नया स्टोरेज नहीं लेना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि जीमेल कुछ अवांछित ईमेल को ऑटोमेटिकली हटा सकता है? अगर नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जीमेल ऐसा ऑप्शन देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सालों से ईमेल नहीं हटाए हैं, जो गूगल द्वारा दिए गए फ्री स्टोरेज स्पेस को भर सकते हैं। सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप पर जीमेल खोलें। इसके बाद सर्च बार में आए आपको एक फिल्टर आइकॉन दिखाई देगा, बस उस पर टैप करें। अगर आइकॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसे सेटिंग सेक्शन फिल्टर और ब्लॉक एड्रेस टैब में पाएंगे। इसके बाद आपको बस क्रिएट न्यू फिल्टर बटन पर टैप करना होगा। आप देखेंगे कि टॉप पर फ्रॉम लिखा है, बस उन ईमेल का नाम या ईमेल पता डालें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। एक बार ऐसा करने के बाद बस फिल्टर बनाए पर क्लिक करें और फिर डिलीट इट चुनें। इसके बाद आपको बस फिर से क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करना है।
दिवाली के पटाखों से सबसे ज्यादा जहरीली हुई इन शहरों की हवा। दिवाली के पटाखों के बाद राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों की हवा दम घोटू हो गई है। प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंच गया है। बेगूसराय, आरा और राजधानी पटना जैसे शहरों में सोमवार 24 अक्टूबर दिवाली की रात 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 QI से ऊपर रहा। वहीं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर नजर डाले तो बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां सोमवार रात 9 बजे AQI सर्वाधिक 318 दर्ज की गई है, जो कि बहुत खराब स्तर है। इसके बाद पटना के दानापुर में 257 AQI दर्ज किया गया है। इसके बाद सिवान की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, यहां रात 9 बजे AQI 216 के आंकड़े पर पहुंच गया। बीते दिन दिवाली के मौके पर पूरा बिहार जगमग रोशनी में डूब गया। दीपावली की शाम राजधानी पटना में हर तरफ तैयारियां जोरों पर रही, बाजार में भी काफी चहल पहल दिखी। इसके बाद शहरों का नजारा रात में देखने लायक था, चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी। वहीं 25 अक्टूबर यानी आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, फिर गोवर्धन पूजा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद पड़ रहा है। पहली बार भारतीय मूल के हाथ में होगी ब्रिटेन की बागडोर। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथ में अब ब्रिटेन की बागडोर है। यह पहला मौका है जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। बीते दिन कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुन लिया है। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें 45 दिनों तक लीज ट्रस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से चुनाव कराए गए थे। इसमें शुरू से ही ऋषि सुनक को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक के पेरेंट्स जब पंजाब के रहने वाले थे, जो विदेश में जाकर बस गए। इस जिले में 26 अक्टूबर को होगा रोजगार मेला का आयोजन। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खास करके नवादा वासियों के लिए। आपको बता दें कि जिला नियोजनालय द्वारा 26 अक्टूबर को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस मेला का शुभारंभ ITI के मैदान में 26 अक्टूबर को किया जाएगा। इस रोजगार मेला के जरिए करीब 600 पदों को भरा जाएगा। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास में मनाई दिवाली। बीते दिन देशभर में दीपावली की धूमधाम रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाई और पूरे परिसर में दीप जलाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में खुद ही जगह जगह दिया जलाकर रखा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश सहित देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शंकर मुखिया, सुभाष कुमार, कुमार प्रसाद, नरेंद्र झलाप, कुलदीप कुमार, रुपेश कुमार, सरिता पासवान, निकिता कुमारी, मुन्ना सिंह, अमन कुमार, अरविंद कुमार मंडल और प्रकाश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपकी दिवाली कैसी रही, पटाखों के साथ या पटाखों के बिना। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।